हेलो गाइस, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक म्यूजिकल बाजार। आपको आज एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही DIY प्रोजेक्ट में काम में आएंगे, ठीक है। तो ये है UM66। ये एक म्यूजिकल IC है, बिल्कुल ट्रांजिस्टर के जैसा इसकी फॉर्म फैक्टर है, मतलब इसकी लुक्स बिल्कुल ट्रांजिस्टर के जैसा है, 3 पिन बाहर निकला हुआ है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसको लेके एक सर्किट बनाएंगे और ये कैसा म्यूजिक प्रोवाइड करता है वो भी आज देखेंगे। तो आइए वीडियो में चलते हैं। तो गाइज, इस वाले सर्किट को बनाने के लिए आपको जो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो है एक स्पीकर, एक UM66 IC, एक ट्रांजिस्टर BC547 2N3904, ऐसे कोई भी NPN ट्रांजिस्टर चलेगा, और साथ में लगाना पड़ेगा 2 रजिस्टर। दोनों का वैल्यू 1 किलो ओम के आसपास होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 1 किलो ओम से थोड़ा ज़्यादा या 200-400 ओम हो सकता है, चलेगा। और साथ में चाहिए एक LED। तो गाइज, पहले हम इस वाले कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या है। गाइज, ये है UM66, एक म्यूजिकल IC है। इसमें 3 पिन है। पहले वाला जो पिन है ये है ग्राउंड, बीच में जो है ये है VCC, मतलब इसमें वोल्टेज आप इनपुट करेंगे, और जो राइट वाला पिन है इसमें आपका आउटपुट आएगा। तो ये सिंपल सा कनेक्शन है इसकी, ये 3 वोल्ट में वर्क करता है। 3 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो ये ख़राब हो सकता है। सर्किट बनाने के लिए आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 3 वोल्ट से ज़्यादा ना आए। ओके, तो यहाँ पे हो गया ग्राउंड, ये है पॉजिटिव वोल्टेज और ये है आपका आउटपुट। तो अभी हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक UM66 IC लगाया, जहाँ पे जो ग्राउंड टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर दिया यहाँ पे माइनस के साथ, और जो बीच वाला है ये VCC, इसको लगाए एक रजिस्टर और एक LED के साथ। ये क्यों लगाए वो मैं बाद में आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो 3rd पिन है, मतलब ये आउटपुट पिन है, ये पिन 1 किलो ओम रजिस्टर से जाके एक ट्रांजिस्टर का बेस में गया है। ये है NPN ट्रांजिस्टर BC547, और ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एक स्पीकर से जुड़ा हुआ है, और स्पीकर का जो दूसरा एंड वो जुड़ा हुआ है पॉजिटिव 5 वोल्ट, यानी पॉजिटिव 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, कितना वोल्ट आप यहाँ पे देंगे उसके साथ ये VCC के साथ कनेक्ट होगा। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे LED क्यों लगाया। तो इस वाले UM66 IC 3 वोल्ट पे वर्क करता है, 3 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो ये ख़राब हो सकता है, तो इसलिए हमको एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल जो वोल्टेज रेगुलेटर हमको पता है वो है जेनर डायोड लगा के। तो एक ऐसे रजिस्टर होता है और यहाँ पे एक जेनर डायोड होता है, जो जेनर डायोड का एक सर्टेन वोल्टेज होता है, तो वो वोल्टेज वो उसकी दोनों एंड के बीच में हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो 1 किलो ओम रजिस्टर लगा रहता है, इससे ये थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप करके यहाँ पे अगर वो जनरल वोल्टेज 3 वोल्ट है तो यहाँ पे वो 3 वोल्ट मेंटेन करेगा। ओके, तो यहाँ से आप जितना करंट खींचेंगे उसके हिसाब से ये इसकी करंट एडजस्टमेंट करके यहाँ पे 3 वोल्ट लाएगा। तो गाइस, यहाँ पे 3 वोल्ट की जनरल डायोड आप कहाँ ढूंढने जाएंगे, इसलिए हम एक इजीएस्ट सोल्यूशन लेके आया हूँ, जो है एक LED लगाना है। यहाँ पे जो LED लगाएंगे उसका भी जनरल डायोड की तरह सेम प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ये इसकी दोनों एंड के बीच में एक सर्टेन वोल्टेज की गैप रखने की कोशिश करता है, हमेशा ये रखने की कोशिश करता है। ओके, तो इसकी भी करंट को ऐसे एडजस्ट करती है ताकि इसकी दोनों एंड के बीच में एक फिक्स्ड वोल्टेज रहे। तो वो वोल्टेज रेड LED के लिए 1 वोल्ट है, और ग्रीन LED के लिए 3 वोल्ट है, वाइट LED के लिए 3.3 समथिंग, और ब्लू LED के लिए हो सकता है 3.2, 3.3, ऐसा वो वेरी करता है। ओके, तो 3 वोल्ट के आसपास ही है, और रेड LED के लिए बस 2 वोल्ट और 1.8 वोल्ट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम LED लगाने से भी यह हमारा एक वोल्टेज रेगुलेटर बन जाता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव, और आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वाले सर्किट को हम यूज करेंगे और सर्किट बनाएंगे, देखेंगे ये कैसा काम कर रहा है। ओके, तो गाइस, हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें पावर देंगे और देखेंगे ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। और पहले मैंने इस वाले स्पीकर को लगाया था, लेकिन ये बज नहीं रहा था, बहुत कम साउंड दे रहा था, तो ये स्पीकर बेसिकली ख़राब हो गया है ये।
तो अब हम इस वाले स्पीकर में बैटरी लगाएंगे और देखते हैं कितना परफॉर्म करता है ये। तो ये मेरा पॉजिटिव गया इधर और नेगेटिव इधर। अब हम इस पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क को लगा के देखेंगे इसमें साउंड आता है कि नहीं। ये बिल्कुल एक स्पीकर के तरह ही है, बस हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है इस वाले पीजो इलेक्ट्रिक स्पीकर को। स्पीकर और इसमें जो डिफरेंस है, ये स्पीकर में जो आपका यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कनेक्शन है एक कॉयल के जरिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट आपका डीसी करंट आ पाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ये कैपेसिटिव कपल्ड है, मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, ये यहाँ से इसके बीच में कोई डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं है, कैपेसिटिव है, तो यहाँ पे डीसी करंट नहीं आ पाएगी। तब भी हम देखते हैं चलेगा कि नहीं। ओके गाइज, हमने सर्किट बना लिया अभी बैटरी लगाने के बाद में। तो गाइज ये नहीं चल रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, ये सर्किट में डीसी करंट ना आने से ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज यहाँ से आके ये स्पीकर के अंदर से जाके ये ट्रांजिस्टर के अंदर से ये सर्किट को कंप्लीट करता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन ना होने की वजह से ये नहीं चल रहा है। देखिए बहुत ही थोड़ा मतलब आज करके टूट जाता है, नहीं चल रहा है। ओके, तो अभी हम इस वाले स्पीकर को खोल देते हैं और बड़े स्पीकर लगा के देखते हैं कैसा साउंड निकलता है। हालांकि मेरा चैनल में बहुत पहले मैं एक वीडियो डाला था इस वाले सर्किट को ही बनाकर, तो उसमें अच्छा व्यू में नहीं मिला, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वाले सर्किट को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ क्यों ना वीडियो बनाया जाए ताकि आप बहुत लोगों के पास पहुँचे। ओके, तो अभी हम इस वाले स्पीकर में लगा देते हैं। तो अब हमारा पॉजिटिव लगेगा इधर और नेगेटिव इधर। तो गाइस देखिए ये क्या कितना अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही लाउड आवाज़ आ रहा है और अच्छा आवाज़ आ रहा है। तो अगर पॉसिबल है आपके प्रोजेक्ट में बड़े स्पीकर लगाने की, तो आप बड़े स्पीकर के साथ जाओ, और छोटे स्पीकर भी लगा सकते हैं जो पोर्टेबल प्रोजेक्ट होता है। तो ये थी सारी बातें इस वाले सर्किट को लेके। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप इसके बाद कोई बाजार यूज करेंगे या इस वाले सर्किट को यूज करेंगे, और ये UM66 आपको मिलेगा कहाँ पर। तो ये कोई बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाओ तो वहाँ पे मिल जाएगा, और मुझे मिल गया, और मुझे पता नहीं है इसकी कोई अवेलेबिलिटी कितना है, और मुझे जितना मैं मालूम कर सकता हूँ कि ये जो गाड़ी में बैक करने के टाइम जो टोन बजता है ना, वो शायद इससे आता है। मुझे कोई कंफर्म आइडिया नहीं है, शायद इससे आता है ये वाला UM66 यूज होता है वहाँ पे। तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।